हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी यहाँ पे टाटा स्टील लिमिटेड के द्वारा बम्पर भर्ती का। या ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप में से किसी के पास एक्सपीरियंस है तो वो सारे कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगा, सैलरी बढ़िया मिलेगा और इसके लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग 1445 वैकेंसी देखने को मिलेगी और ये सारी वैकेंसी मेरे भाई परमानेंट जॉब आपके लिए रहने वाली है। अब डायरेक्टली बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप में से किसी ने ITI कर रखा है किसी भी ट्रेड में, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ट्रेड एलिजिबल है। डिप्लोमा कर रखा है किसी भी ब्रांच में, BBTech कर रखा है किसी भी ब्रांच में, या फिर अगर आपने MEMTech कर रखा है किसी भी ब्रांच में, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका पोजीशन रहेगा वो आपका देखने को मिलेगा। यहाँ पे टेक्नीशियन के पदों के लिए वैकेंसी है, सुपरवाइजर के पद आपको देखने को मिल जाते हैं, सेफ्टी इंजीनियर का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, साइट इंजीनियर का वैकेंसी आपको देखने को मिल जाता है, सेफ्टी इंचार्ज का भी वैकेंसी निकाला गया है, सेफ्टी ऑफिसर का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग और भी अदर सारी पोजीशन आपको देखने को मिल जाती है। तो कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, जॉब लोकेशन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सैलरी आपको इन हैंड कितना मिलेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर और अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक पूरा देखना बिना स्किप किए और इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। टारगेट जो रहेगा यहाँ पे वीडियो के लाइक का 1200 प्लस आपको लाइक करवाने हैं। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन कमेंट करके जरूर से बता देना। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया है। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाले आइकन उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करने से पहले फिजिक्स वाला लेकर आए यहाँ पे गेट वाला, तो क्या आप IIT में नहीं जा पाए, तो क्या आप IIT में जाना पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल है, आप जा सकते हैं IIT में थ्रू गेट और बन सकते हैं PSU ऑफिसर इंडिया के बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में। तो गेट वाला ने लॉन्च किया यहाँ पे ऑफलाइन बैच फॉर ए गेट 2025 एंड ESC प्लस गेट 2025। मतलब कि अगर आप ESC की भी प्रिपरेशन साथ में करना चाहते हैं गेट के, तो आप ESC प्लस गेट 2025 को टारगेट कर सकते हैं। और अगर आप ओनली गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप गेट 2025 ऑफलाइन बैच को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच जो रहेगा आपका प्योरली ऑफलाइन रहेगा और हर क्लासरूम में आपको स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाया जाएगा। इंडिया की बेस्ट फैकल्टी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ओनली 5000 रुपये के अंदर आप अपनी सीट को यहाँ पे बुक कर सकते हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल अमाउंट यहाँ पे आपका रहेगा। और अगर आप ESC प्लस गेट 2025 को टारगेट कर रहे हैं, वहाँ पे आपको इंटरव्यू गाइडेंस मिल जाती है, स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है और ये बैच रहेगा आपका प्योरली इंग्लिश के अंदर, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बो आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको समझने में यहाँ पे आसानी रहेगी, दोनों लैंग्वेज यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही साथ सभी बैच के अंदर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाती है। मान लेते हैं किसी दिन आपकी तबीयत ख़राब होगी या फिर आप बीमार पड़ गए और आपकी क्लास मिस हो गई, तो आप इनके फिजिक्स वाला ऐप में जाके वो क्लास को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको रेगुलर टेस्ट देखने को मिल जाते हैं, डिटेल स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड आपको देखने को मिल जाता है, लाइव क्लासरूम में आपको क्विज देखने को मिल जाती है, डाउट सपोर्ट इनके ऑफलाइन सेंटर पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ऑफलाइन सेंटर पे जाके भी आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर का जो एड्रेस दे रखा है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, न्यू दिल्ली में इनका सेंटर अभी ओपन होने वाला है। साथ ही साथ इनके काउंसलर से भी बात कर सकते हैं, जिनके नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, तो आप इन पे कॉल करके डायरेक्टली इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। या फिर मैंने आपको एक लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली उस फॉर्म को फिल करिएगा। इनकी जो काउंसलिंग टीम है वो आपको कॉल करेगी, आपके जितने भी डाउट रहेंगे वहाँ पे वो क्लियर आउट कर देगी। तो सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके इनरोल कर लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। तो मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ यहाँ पे लिंक्डइन पे, जहाँ पे हमने आपको सबसे पहले अपडेट दे रखा है 32 मिनट पहले। तो अगर आपने हमको लिंक्डइन पे फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो कर लेना, लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। या फिर आप अगर लिंक्डइन पे सर्च करेंगे नौकरी वाला, तो वहाँ पे आपको हमारा पेज देखने को मिलेगा।
क्योंकि यहाँ पे मैं पर डे 10 से 15 जॉब्स अपडेट देता रहता हूँ अलग अलग ब्रांच से रिलेटेड। आपको वहाँ पे फ़ायदा होगा और सबसे पहले ही अपडेट वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो वैकेंसी निकाली गई है, ये निकाली गई है टाटा स्टील की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। मेगा हायरिंग आपके लिए रहने वाला है और यहाँ पर डायरेक्टली आपका वॉक इन इंटरव्यू देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर माइनिंग एंड मेटल्स की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ बात की जाए, यहाँ पे इमिडिएटली हायरिंग रहने वाला है, तो जो बच्चा यहाँ पे इमिडिएटली ज्वाइनिंग कर सकता है वो इसको अप्लाई कर सकता है। किसी भी टाइप का आपको यहाँ पे हिडन चार्ज पे नहीं करना, फ्री का ये फॉर्म है और यहाँ पे आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका रहेगा यहाँ पे डायरेक्टली इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब इंटरव्यू देने के लिए भी दो मीडियम रखे गए हैं, पहला तो आपके लिए रहेगा कि आप ऑनलाइन दे सकते हैं, घर पे बैठे दे सकते हैं, दूसरा आपके लिए ऑफलाइन रहेगा कि आप यहाँ पे वेन्यू पे जाके अपने वॉक इन इंटरव्यू को यहाँ पे दे पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे बात की जाए कि पोजीशन कौन कौन सा देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे सुपरवाइज़र के लिए वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी है, ऑपरेटर का वैकेंसी है, सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी है, साइट इंजीनियर का वैकेंसी है, असिस्टेंट इंजीनियर का वैकेंसी है और यहाँ पे सीनियर इंजीनियर का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। तो सुपरवाइज़र के पदों के लिए यहाँ पे अगर आपने आईटी कर रखा है या फिर डिप्लोमा कर रखा है किसी भी ट्रेड में और आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है, बीबीटेक कर रखा है किसी भी ब्रांच में और आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेटर के पदों के लिए अगर आपने आईटीआई किया है किसी भी ट्रेड में, डिप्लोमा किया किसी भी ब्रांच में और आप फ्रेशर हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंदर अगर आपने यहाँ पे आईटी कर रखा है या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर आपने बीबीटेक कर रखा है किसी भी ब्रांच में, प्लस आपके पास यहाँ पे 6 महीने का डिप्लोमा होना चाहिए जो कि सेफ्टी डिपार्टमेंट का डिप्लोमा होता है, तो ही आप एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे साइट इंजीनियर का वैकेंसी है, तो डिप्लोमा और बीबीटेक एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर का वैकेंसी है, जिसके अंदर अगर आपने बीबीटेक कर रखा है या फिर एमईएमटेक कर रखा है किसी भी ब्रांच में, तो आप असिस्टेंट इंजीनियर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर है तो भी एलिजिबल रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो सीनियर इंजीनियर का वैकेंसी है, उसके अंदर अगर आपने बीबीटेक कर रखा है या फिर आपने यहाँ पे कर रखा है एमईएमटेक और 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो ही आप एलिजिबल है सीनियर इंजीनियर की पोजीशन के लिए। क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर आपने आईटी कर रखा है एलिजिबल हो, डिप्लोमा कर रखा है किसी भी ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग का डिग्री कर रखा है मतलब कि बीबीटेक कर रखा है एलिजिबल है, एमईएमटेक कर रखा है तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एचआर का ईमेल आईडी दिया गया है, इसी ईमेल आईडी पे आपको अपने रिज्यूमे को ईमेल करना पड़ेगा और कवर लेटर का लिंक मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड पहले से करवा दिया है यहाँ पे लिंक्डइन पे, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके कवर लेटर को यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। अब वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें, मैं तो थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप सभी लोग इसको अच्छे से देख पाएँ। ये वैकेंसी निकाली गई है टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, जो कि यहाँ पे काम करता है माइनिंग एंड मेटल के अंदर ये काम करता है, ठीक है, बेसिकली स्टील प्लांट के अंदर ही काम करता है, तो टाटा स्टील के अंदर ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपका जमशेदपुर का और कोलकाता का जॉब लोकेशन देखने को मिलेगा। डायरेक्टली यहाँ पे आप जा सकते हैं, जो कि आपका सैटरडे के दिन रहेगा 23 सितंबर को सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आप कभी भी जा सकते हैं और आप अपने वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है एक्सपीरियंस के बारे में, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस है 2 साल का, तो आप डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू देने के लिए चले जाइए। वहीं अगर आप फ्रेशर है, तो एचआर का ईमेल आईडी दे रखा है, तो इस ईमेल आईडी पे आप अपने रिज्यूमे को ईमेल कर दीजिएगा कवर लेटर को अटैच करके। अब कौन सी पोजीशन के लिए आपको अप्लाई करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वीडियो को अच्छे से देखते रहिएगा। देखिए यहाँ पे जो आपका पोजीशन रहेगा, इन्होंने मेंशन भी कर रखा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वैकेंसी है, डिज़ाइन इंजीनियर का वैकेंसी है, डिज़ाइन इंजीनियर का वैकेंसी है आयरन एंड स्टील के अंदर, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर का वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर वैकेंसी है, मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, HVAC फायर एंड सेफ्टी के अंदर भी वैकेंसी निकाला गया है, पाइपिंग एंड स्ट्रेस के अंदर भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप जाना चाहते हैं तो ये आपका वेन्यू रहेगा, इस पर आप जाइएगा डायरेक्टली, आप वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड कर लीजिएगा और आप अपने सारे ओरिजिनल और जेरोक्स डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे लेके जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, डायरेक्टली एचआर को ईमेल करना चाहते हैं, तो एचआर का ईमेल आईडी दे रखा है, ये दोनों ईमेल आईडी आपको यहाँ पे लिंक्डइन पे मिल जाएगा, इसको आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है, या फिर आप इसको टाइप करके कहीं पे सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको कवर लेटर का लिंक प्रोवाइड करवा रखा है,
तो आपको इन दोनों ईमेल आईडी को यहाँ पे ईमेल करना पड़ेगा, दोनों ईमेल आईडी पे ईमेल करना पड़ेगा, कवर लेटर को अटैच करके रिज्यूम को ईमेल करना है, ठीक है। रिज्यूम आपके पास होगा, अगर आपके पास रिज्यूम नहीं है तो आप कैनवा के थ्रू बना सकते हैं। वैसे हम चलते हैं यहाँ पे डायरेक्टली कवर लेटर की तरफ, तो यहाँ पे आपको करना है क्लिक। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ आपके सामने ऐसा टैब ओपन हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, टॉप पे आपको दिख रहा है पिन मैसेज का, तो आपको सबसे पहले इस पर करना है क्लिक। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक्सपीरियंस वालों के लिए कवर लेटर आएगा। फ्रेशर को भी बता रहा हूँ कैसे कवर लेटर आपको कॉपी करना है। सबसे पहले एक्सपीरियंस वालों के लिए, तो आपकी ब्रांच जो भी है उस ब्रांच को यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, और इवन आपका जो भी बीबीटेक किया है या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया उसको मेंशन कर देना, और बीबीटेक किया है तो आप डिप्लोमा को हटा देना, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो बीबीटेक को हटा देना। आपका आपका प्लेस कौन सा है और आपका नेम ऑफ कॉलेज कौन सा है उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। 2016 में किया है, 17 में किया, 18 में किया, 19 में किया, 20 में किया, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कितने साल का एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसको कॉपी करना पड़ेगा। पहले कॉपी कैसे करेंगे, यहाँ पे कहीं पे भी लॉन्ग प्रेस करिएगा। जैसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक बटन आ जाएगा ऊपर वाला, इस पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना, फिर आप इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं टेक्स्ट कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ये कॉपी हो गया, आप इसको एडिट कर सकते हैं। अब बता रहा हूँ कि सीवी कैसे आपको, रिज्यूम सीवी कैसे आपको डाउनलोड करना है। जो भी मेरे भाई बहन हैं उनके पास रिज्यूम नहीं है तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ऊपर पिन मैसेज दे रखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेशर रिज्यूम फॉर्मेट मैंने दे रखा है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा आपके मोबाइल के अंदर डॉक्स का एप्लीकेशन होना जरूरी है, जिसको आप प्ले स्टोर के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको डाउनलोड करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने रिज्यूम और सीवी को एडिट कर सकते हैं अपने मोबाइल की हेल्प से। इसमें कोई लैपटॉप कोई पीसी नहीं चाहिए, ये आपका सीवी का फॉर्मेट हो गया। अब बात कर लेते हैं कि आपको जो कवर लेटर चाहिए फ्रेशर को, आप वापस इस पर क्लिक करिएगा पिन मैसेज पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कवर लेटर फॉर फ्रेशर, फ्रेशर वालों के लिए कवर लेटर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करवा रखा है। यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, इसको एडिट कर लेना है। कैसे एडिट करना है, नॉर्मली बात है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ब्रांच जो भी है उसको मेंशन कर दीजिएगा, कब आपने बीबीटेक डिप्लोमा किया है उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। देन फिर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करिएगा, इस नेम को हटा के आपका नेम आ जाएगा, मोबाइल नंबर को हटा के आपके मोबाइल नंबर आ जाएंगे, सिंपल सी बात है। अब आपको मेल कैसे करना है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि मेल करना नहीं आता। अब मेल करना मैं आपको बता रहा हूँ, एक कवर लेटर आपने कॉपी कर लिया, इसको एडिट कर लिया, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अब चलते हैं अपनी जीमेल पे, जिसके थ्रू अपने मेल करेंगे। जो मेल आईडी मैं मेंशन करूंगा डिस्क्रिप्शन में उसी पे आपको मेल करना है, ध्यान से कॉपी करिएगा उसको, ठीक है। अब मैं कमेंट बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, डायरेक्टली आप उस पर कॉपी करके इसको मेल कर सकते हैं। अब जीमेल ओपन कर लेते हैं डायरेक्टली हम। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको मेल कैसे करना है उस तरीके के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मेल करने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी जीमेल आईडी को ओपन कर लेना है, जो कि आपका जीमेल का ऐप है आपके मोबाइल के अंदर। उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, कंपोज ईमेल का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो आपको डायरेक्टली कंपोज वाले मेल पे कर देना है क्लिक। तो कंपोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको करना क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपकी खुद की मेल आईडी आ जाएगी जिससे आप लॉगिन हुए हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे वो मेल आईडी डालनी है जो कि मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। या तो आप उसको अच्छे से कॉपी कर सकते हैं या फिर आप उसको अच्छे से टाइप करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टाइप करने में मिस्टेक करते हैं और उनका मेल नहीं जाता। तो आपको ध्यानपूर्वक उसको कॉपी कर लेना है मेरे भाई। कॉपी करने के बाद आप उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे सब्जेक्ट का, तो आपको सब्जेक्ट वाले ऑप्शन में क्या डालना है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप फ्रेशर है 2023 में पास आउट होने वाले हैं या फिर 2023 से पहले पास आउट हो चुके हैं और आप फ्रेशर है, तो आपको क्या टाइप करना है यहाँ पे, आपने अगर आईटीआई कर रखा है या फिर करने वाले हैं 2023 के अंदर, तो आपको यहाँ पे डालना है अप्लाई फॉर टेक्नीशियन। पूरा का पूरा फुल फॉर्म लिखनी है यहाँ पे, अप्लाई फॉर टेक्नीशियन यहाँ पे आपको पुट कर देना है। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं अप्लाई फॉर DET डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, पूरा का पूरा यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं अप्लाई फॉर जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग, क्योंकि जेई की पोजीशन के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बात की जाए जिन्होंने बीबीटेक कर रखा है, तो यहाँ पे वो डालेंगे अप्लाई फॉर GET ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग डाल सकते हैं, पूरा का पूरा फुल फॉर्म डाल सकते हैं, या फिर ऐसे भी डाल सकते हैं अप्लाई फॉर, यहाँ पे डाल सकते हैं आप असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग, ऐसे भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको आप ऐसे पुट कर दीजिएगा। देन फिर यहाँ पे आता है कंपोज ईमेल का ऑप्शन। आपको यहाँ पे क्या करना है, जो मैंने आपको कवर लेटर प्रोवाइड करवाया था टेलीग्राम पे जिसको आपने कॉपी कर रखा था उसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है।
यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा उसको एडिट कर लेना है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने डिप्लोमा किया है बीबीटेक है, उसको आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको अपने नेम और मोबाइल नंबर की जगह आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, और आपके जो भी मोबाइल नंबर है इसको हटाने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करके डाल सकते हैं। देन फिर आएगा आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन दे रखा है, आपको यहाँ अपने सीवी को अटैच करना है या फिर अपने रिज्यूम को अटैच करना है। तो यहाँ पे अटैच फाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा टैब ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अटैच फाइल का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है और आपको अपने सीवी को यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद फाइनली आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो सीवी रहेगा इसके नीचे आपको अपना सीवी देखने को मिल जाएगा। देन फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है सेंड का, इस पर क्लिक करके आप अपने जो आपका मेल है वहाँ पे सेंड हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, फिर से कह रहा हूँ कि आपने जो मेल आईडी यहाँ पे डाली है उस मेल आईडी को ध्यानपूर्वक टाइप कर लेना या फिर आप कॉपी कर लेना, जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि आपकी ब्रांच कौन सी, आपका ट्रेड कौन सा है, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको उसी से रिलेवेंट देखने को मिले। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।